हाँ खिलाएंगे मिथिला जी ने, हमने की खिलाएंगे आधा घंटा लेट हो जाएंगे। हाँ मिथिला जी मंगाएंगे मिठाई, चलिए आइए, बोल देते उसके बाद जियो तीनों टुकड़ा बंदे है, कहाँ सुता है? हीरा है, ये हमारे लिए हीरा है, आइए मिथिला जी। ये पहले कैमरा के पीछे में देखे, अच्छा रहा फोटो, सब आ रहा, लाइट जला हुआ है मिथिला जी। अपने पहले बारे में बोल देखिए, अब बीच में रहिए ना, मेन तो आप ही है हम लोग का लिए, गार्जियन स्वरूप भी है पहला नंबर, और क्या इनका जो है एसटीटी क्लियर क्या हो गया, जो टीचर का एग्जाम है सबसे बड़ी बात है, 6 to 8 नहीं, कौन सा एग्जाम, 9 to 10। और बताएंगे ड्रीम क्लासेस के बारे में अपना योगदान बताएंगे, सबसे पहले बताइए। ड्रीम क्लासेस से ही हम मैंने 71.59% लाए हैं। अगर ड्रीम क्लासेस हमको नहीं मिलता तो हम स्टेट में इतना क्वालिफाइड नहीं करते सोशल साइंस में। ये ड्रीम क्लासेस के बल पर ही हम 71.56% लाए हैं। ड्रीम के लिए ताली बजाइए, आज इनका योगदान बहुत रहा, खास के इनका बोले सर हम सबसे समस्या क्या है GKGS, क्योंकि GKGS एक ऐसा सेक्टर है, आपको किसी भी टॉपिक पर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बोलने का क्या देता, आपको ज्ञान देता है। अगर मान लीजिए आप इसे पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, हल्ला अगर आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के बारे में आप 10 मिनट क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर पढ़ रहे हैं पॉलिटी तो 10 मिनट आप बोल सकते हैं। अगर पढ़ रहे हैं आप इतिहास, तो क्या क्या इतिहास में वो सारी घटनाएं को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ड्रीम क्लासेस में आपको जो है GKGS का क्लास, और खासकर 11th 12th, अब 11th 12th का संतोष सर अपना 11th 12th के बारे में बताएंगे, बताइए। देखिए सबसे पहले तो आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले होता है थिंक अबाउट विश्वास, इस कोचिंग पे भरोसा कीजिए और साल भर आप इस कोचिंग के साथ जुड़िए, फिर अपने आप में मेहनत आपको दिख जाएगा कि हम किस लायक थे और कहाँ पहुँचे। जिस भी बच्चे को कंपटीशन क्षेत्र के बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है हमको, चूँकि हम इस लाइन से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन जितना आप कोर्स कर सकते हैं कि सूरज सर के गाइडलाइन में आप GKGS पढ़िए, आने वाला BPSC हो। जहाँ तक हम कुछ सब्जेक्ट में टॉपिकली हम बात करें इतिहास का, ज्योग्राफी के, तो UPSC लेवल लाइक ये कवर कर देते हैं, ये आप लोग नहीं समझेंगे, मैं खुद उस लाइन का हूँ तो मुझे पता है कि क्या ये पढ़ाते हैं। जिस दिन आप लोग तैयारी करेंगे आप लोग को टोटली पता चलेगा क्या मैटर यहाँ देते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या लिखाते हैं। उसके बाद दूसरा बात है, यहाँ सेट प्रैक्टिस का बात चल रहा है, ये सर महीना में 10 दिन 12 दिन करते थे, हम इनसे बात किए प्रत्येक दिन कीजिए, और आगे वाला 15 तारीख के बाद प्रत्येक दिन सेट प्रैक्टिस।